और सुनने में आया है कि आप एक वुमेन एम्प्लॉयड गुरु जी के हिसाब से थे, वुमेन एम्प्लॉयड में थे, तो राजनीति में आने का आपका क्या मकसद है? हाँ, मैं सबसे पहले गुड इवनिंग मीडिया फ्रेटर्निटी को। मैं पहले टीचर ही था, मैं हेडमास्टर के ड्यू में था, लेकिन उसको वो नौकरी को इसलिए छोड़ना पड़ा बिकॉज मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में टाटी ऑलोवेस कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट 20 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि उसमें 90% ऑफ पीपल बैलेंस पॉक का जितना पीपल्स है वो सब प्रॉब्लम है, अनफेवराइज है। तो हमारे जहाँ में हमारे सोसाइटी इतनी गिरे इतने पिछड़े हुए हैं, उस समाज को थोड़ा आगे ले जाने के लिए मैंने सोचा कि एक आदमी का नौकरी करना कोई बड़ा चीज नहीं है, कम से कम 95% जो आदमी गरीब है उसके लिए, गरीब टप्पों के लिए मैं तो कम से कम कुछ कर सकूं। क्योंकि 20 ईयर से मैं देख रहा हूँ कोई भी राजनेता कोई भी राजनीति में आते सिर्फ अपना रोटी सेकता है, कोई उस पर बस्ती वाले के प्रॉब्लम क्या है, एरिया का प्रॉब्लम क्या है कभी हाईलाइट नहीं किया है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 20 ईयर्स में 20 ईयर्स हमारे ऑल ओवर ड्यू है, इस ड्यू को मैं अगर भगवान की और मेरे लोग की प्रेजेंस से मैं असेंबली में आता हूँ तो इसको मैं जरूर उजागर करना चाहूँगा, इसको मैं उठाना चाहूँगा। सर, सुनने में आप तो कहता है कि डेवलपमेंट तो हर जगह में होता है, लेकिन आपके हिसाब से डेवलपमेंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? करेक्ट, मैं यही चीज को लेकर राजनीति पे आया हूँ। हर कोई नेता जो भी एमएलए कॉन्टेस्ट करता है वो बोलता है कि डेवलपमेंट लाएंगे। मैं भी सुन के थक गया हूँ। मैं भी इसलिए इसी सब्जेक्ट पे इसी कंसेप्ट को, व्हाट इज द कंसेप्टलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट और हमारे लोग को कौन सी डेवलपमेंट सही है, सरफेस डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, लेकिन हमारे सोसाइटी को, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने लोग हैं जो अनफेवराइज है उसको सही है आज इकोनॉमिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप एयरपोर्ट भी ला सकता है, बुलेट ट्रेन भी ला सकता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज व्हाट, हमको हर एक टप्पे के लोग को इकोनॉमिकली उसको बाइवेल करना, ये है मेरे कंसेप्ट डेवलपमेंट का। अच्छा सर, आप हम सब जानते हैं कि अरुणाचल में मनी कल्चर के बिना पॉलिटिक्स राजनीति होता नहीं, तो आप पब्लिक के माइंडसेट को कैसा चेंज करेगा ये कॉन्सेप्ट को? देखिए, पैसा ही, मनी इज द रूट ऑफ इविल बोलता, पैसा ही ये कि हमारे ये का बेरोजगारी का कारण है। एक इलेक्शन में एक नेता बिना कंसेप्ट का, बिना रोड मैप का, बिना ब्लूप्रिंट का, वो ये सोचता है कि मैं इतने बजट बनाऊंगा 10 करोड़ 15 करोड़ और इन्हीं बजटों से मैं 10,000 20,000 करके एक एक वोटर को परचेस कर लेगा। उसके बाद क्या होता है कि वो इन्हीं 5 सालों में 95% मैंने अभी जो बताया है ये लोग भूखे प्यासे जीते हैं, कुछ ना उसमें एजुकेशन ठीक हो रहा है ना कम्युनिकेशन ठीक हो रहा है। तो इसलिए मैं हर लोग, हर एक एक बस्ती वाले को, हर एक एक वोटर को यही बोल रहा है कि अपने आप को मत बेचो, एक बार अपने ईमान से अपनी पकड़ से वोट दे के देखो, मैं आपको जरूर बदलाव लाऊंगा। वरना एक मास्टर जी का औकात थोड़ी ना है कि ये करोड़ों पति के साथ लगे, फिर भी माइंडसेट को बदलने में एक आदमी ही सही है, कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। सो आई सैक्रिफाइस माय कैरियर एंड आई एम कंप्लीटली डिवोटेड फॉर माय पीपल फॉर द शेक ऑफ माय ऑल वेस्ट एंड आई एम जस्ट एंटर इन द पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नॉट अ सीजनल पॉलिटिशियन। अच्छा सर, सुनने में लग रहा है कि आपका 30 आलो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कैंडिडेटर का ऐसा कैंडिडेटर का अनाउंसमेंट हो रहा है, इसमें से आपका क्या स्पेशलिटी है उस बीच में? मेरी स्पेशलिटी ये है, मैं ईमानदार हूँ, मैं लोग के लिए पार्टिंग करना चाहता हूँ, मैं लोगों के हित को असेंबली तक उठाना चाहता हूँ। मेरे वहाँ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, मेरे वहाँ एजुकेशन का प्रॉब्लम है, मेरे वहाँ, मैं आपको एक इंस्टेंट दे रहा हूँ, न्यूयॉर्क एक बस्ती है जहाँ मैं प्रेगनेंट लेडी को आलो का मेडिकल में ले जाने के लिए टाटा मोबाइल से ले जाता है, एक प्रेगनेंट लेडी को, ये कस्ता हालत है मेरा वहाँ में, फिर भी हमारे यहाँ राजनीति चलता है। ये चारों कोई भी हो, एक्स वाई जेड जितने भी कंटेंडर है, आई डोंट माइंड, ये लोग तो करोड़ों पति है।